हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनसिक्रेटेड पे स्वागत है। गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस की, कौन आपको खोने से डर रहा है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल येलो, सेकंड ये पिंक और थर्ड है ग्रीन। ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपने पाइल चूज़ कर सकते हो। गाइस, जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको मैं बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आँखें बंद करिए और इंटरेस्ट से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है और ये रीडिंग सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी इसे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं कौन आपको खोने से डर रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ रख देते हैं इसे, कार्ड देखते हैं। टेन ऑफ वांड, सेवन ऑफ कप, द हर्मिट। ओके, यहाँ हमारे पास कार्ड है एक्शन, ओके, हॉस्टिलिटीज और एंजल ऑफ लव। ओके, तो गाइस ये जो कोई भी इंसान है वो आप को लेकर बहुत ज़्यादा उनके सपने हैं। ओके, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सपने देखते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो 24 आवर्स आपके बारे में सोचना पसंद करते हैं। ओके, और अभी हाल फिलहाल की बात की जाए गाइस, तो वो आपको लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे गाइस कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है गाइस कि वो आपको लेकर डिसीज़न ले भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वो अपने कैरियर में जो अभी इतना ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं वो भी आप ही के लिए है गाइस। ओके, और ये जो इंसान है वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। ओके, अब इनकी मैं क्वालिटी बताऊँ गाइस, तो ये जो इंसान है जिससे आप समझ जाएंगे कि ये आपकी लाइफ में जो इंसान है ये वही है या नहीं। ओके, तो गाइस ये जो इंसान है वो ऐसे इंसान है वो बहुत ही कम बात करते होंगे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और वो अपनी बातों को बहुत ही कम आपके साथ शेयर करते होंगे, क्योंकि हर्मिट कार्ड ऐसा ही होता है गाइस। ओके, वो अपने बारे में कम बताता है और आपके बारे में बहुत कुछ जानने की उनकी एक जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा होती है। ओके, और वो आपसे बहुत ही उम्र में बड़े होंगे। ओके गाइस, और बहुत ज़्यादा मैच्योर भी है गाइस। ओके, और ये जो इंसान है गाइस उनकी लाइफ में बहुत सारे उनके सपने हैं, लेकिन आप उनका ड्रीम हो, ये आप हो। ओके, और वो आपको ही देख रहे हैं। ये सब कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत करके पा भी लिया है, या फिर अभी जो मेहनत करे इसे पा भी लेंगे, लेकिन वो आपको एक सपना समझते हैं और आपको लेकर पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, और अभी हमारे पास एक्शन के दो कार्ड आए हैं, आप देख सकते हो, एक्शन और हॉस्टिलिटीज़। तो ये दो कार्ड यही बताते हैं गाइस कि आपको लेकर उनके दिल में यही है कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ बिताने के सपने देखते हैं। इस वजह से उन्होंने आपको लेकर डिसीज़न लेने के लिए सोच लिया है, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो रुके हुए हैं, क्योंकि टेन ऑफ वांड के नीचे हमारे पास एक्शन का कार्ड आया है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है गाइस कि आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ध्यान देते हुए वो आपको ज़्यादा फैसिलिटी देने के लिए ज़्यादा मेहनत कर रही है और उसी में ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आपने भी अपने सपने उनको बताए हैं कि मुझे मेरा हस्बैंड ऐसा चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह से मुझे सारी खुशी दे, मुझे बहुत सारे घूमने फिरने ले जाए, इस तरह से आपने अपने सपने जो बताए होंगे, इस वजह से भी वो अभी हाल फिलहाल अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है गाइस कि कहीं वो आपको खो ना दे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल उनकी करियर में इतना ज़्यादा वो बिजी है कि वो अभी आपको लेकर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इस वजह से उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़कर चले ना जाओ। ओके,
अब हमारे पास हर्मिट के नीचे एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। इसका मतलब ये होता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है गाइस कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, ओके। और यहाँ जो आप ये दिल पकड़े हुए खड़े हुए हो, ये आपकी एनर्जी है गाइस कि आप उनका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके पार्टनर चुपचाप साथ एक जगह पर बैठे हुए और सोच रहे कि वो आपको लेकर क्या डिसीज़न ले। अभी आपके पार्टनर थोड़े कुकून में है गाइस, ओके। और आप दोनों के रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी वो ले भी रहे आपकी, जिससे वो आपको लेकर जल्दी से जल्दी डिसीज़न ले पाए, ओके। तो ये जो इंसान है गाइस, वो बहुत ज़्यादा आपको खोने के डर से, उनको डर लग रहा है कि कहीं वो आपको खो ना दे, ओके। और मैंने आपको जो क्वालिटी बताई, इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो इंसान है वो कैसा होगा, ओके। और गाइस, ये इतना ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है, आपको और भी क्वालिटी चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि ये इतना ज़्यादा स्टाइलिश नहीं है। मैंने आपको बताया कि जब उम्र में आपसे बड़े हैं, इस वजह से उनका लुक थोड़ा सोबर होगा, ना स्टाइलिश ना नॉर्मल, एकदम परफेक्ट, ओके। जो जैसे भी जिस तरह से वो अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, जिस तरह से वो अपनी बातों को रखते हैं, बहुत ही मैच्योरिटी से निखर आते हैं गाइस, ओके। आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और सोच समझ कर बात करने वाला है, कुछ भी बोलने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं फिर बोलते हैं, ओके। और हाइट भी मीडियम ही होगी गाइस, ओके, ना ज़्यादा लंबा और ना ज़्यादा कम, ओके। तो ये है आपके रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन आपको खोने से डर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप, पेज ऑफ वन। ओके गाइस, पेज की एनर्जी ज़्यादा है गाइस। एंजाइटी, आप बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो। एप्रिसिएशंस, ने ड्यू टू रोमांस। ओके गाइस, तो ये जो इंसान है गाइस, वो स्टार्टिंग में जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करते होंगे तब आपको वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर के लगे होंगे, ओके। लेकिन वो ऐसे, उनका जो एक नेचर है गाइस, वो सभी के साथ घुलने मिलने वाला है, इस वजह से आपको लगा होगा और बहुत ज़्यादा वो आपके साथ बात करते होंगे गाइस, ओके। और वो भी प्यार भरी बातों में, तो उन्होंने PhD की है, क्योंकि टेन ऑफ कप और पेज ऑफ वांड का दोनों का कॉम्बिनेशन यही बता रहा है गाइस कि वो आपके साथ प्यार भरी बातें बहुत ज़्यादा करते होंगे और आपको समझने की पूरी तरह से कोशिश भी करते होंगे गाइस, ओके। और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, और भी उनके बहुत सारे ड्रीम हैं आपके साथ। और वो गाइस, वो ये जो इंसान है, उनकी मैं क्वालिटी बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लाइफ में जो इंसान है वही है या नहीं, ओके। तो ये जो इंसान है गाइस, वो फैमिली को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं गाइस, ओके। और आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करना भी बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। जब भी वो आपके साथ इमोशनली बातें करते होंगे तब आपके इमोशंस को सुनना भी उनको अच्छा लगता है और आपके इमोशंस सुनते हुए उनको समझते भी होंगे गाइस, ओके। ये जो इंसान है, ये जब भी आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर, ओके। और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहते हैं। कभी कभी आप उनको इतना वक्त नहीं दे पाते हो तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, दुखी हो जाते होंगे और सामने से फ़ोन भी करते होंगे, मैसेज भी करते होंगे, ओके। और शायद आपने अपने दिल की बातों को भी उनको बता दिया गाइस, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मतलब कि ये जो इंसान है गाइस, वो आपको थोड़ा इमैच्योर लग सकते हैं गाइस, क्योंकि वो जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से उनका रहन सहन है, जिस तरह से उनकी जो एक
रहने की स्टाइल है गाइस, वो आपको इमेच्योर लग सकती है ओके, लेकिन वो इमेच्योर नहीं है। वो आपको लेकर बहुत ही मैच्योरिटी से उन्होंने सोच लिया है कि वो आपके साथ ही लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ओके। वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होंगे, मैंने आपको बताया कि उनका रहन सहन, उनकी जो जिस तरह से एक लोगों के साथ फ्लर्ट करने की आदत है, वो नॉर्मली इसका उनका ऐसा नेचर ही होगा कि वो सबके साथ घुल मिल जाते हैं और सभी को सामने से बुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है गाइस ओके। वो इस तरह से ही रहना उनको अच्छा लगता है, एक उनको फ्रीडम लगती है जिस तरह से वो रहते, उनको अपनी फ्रीडम बहुत ही पसंद है, लेकिन वो फ्लर्टी नेचर के नहीं हैं ओके। वो आपको बे इंतहा बेसुमार प्यार करते हैं गाइस ओके, और आपको अपनी पूरी लाइफ मानते हैं, पूरी दुनिया आप उनके लिए हो, और आपकी तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे आप दोनों। वो बात बात में आपकी तारीफ़ करते होंगे कि मुझे आपके बाल भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप जिस तरह से अपने आप को ड्रेसअप करते हो वो भी मुझे बहुत ही पसंद है, इस तरह से भी वो आपको कहते होंगे। और जिस तरह से आप लोगों के साथ बातें करते हो वो भी उनको बहुत ही अच्छा लगता होगा, और वो आपको बहुत ही ज़्यादा मैच्योर भी समझते होंगे गाइस ओके। अब पेज ऑफ पेंटिकल और एंजाइटी दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि ये जो आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल आपको फील भी कराते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपको लेकर कोई डिसीज़न नहीं लिया है, यह साफ साफ दिख रहा है गाइस। इस वजह से आप एंजाइटी में हो, आप स्ट्रेस में हो कि आपके पार्टनर आपको लेकर डिसीज़न कब लेंगे, राइट गाइस। तो यहाँ ये आपके पार्टनर आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि पेज की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा दिखा रही है कि उनकी अपनी लाइफ की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं होने की वजह से वो आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी है गाइस। आप जो इतना ज़्यादा एंजाइटी में हो, आपसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी आपके लिए डिसीज़न नहीं लूँगा तो आपको मैं कहीं खो ना दूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन फिर भी वो अपनी सिचुएशन को लेकर जो एक कोशिश कर रहे हैं और लड़ रहे हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो आपको लेकर भी डिसीज़न लेना चाहते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है गाइस। यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि अभी जो अपनी सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रही है, तो उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, साथ देना चाहिए, और उसके उनके साथ थोड़ी अच्छी तरह से आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ रूखा बर्ताव कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है गाइस ओके। और यहाँ 10% लोग ऐसे हैं जिनके साथ ऑलरेडी हो चुके हैं गाइस ओके। जो हमारे नए व्यूवर्स यहाँ जॉइंट हुए हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आपके पार्टनर की शादी हो चुकी है और उनके शायद बच्चे भी हैं ओके। फिर भी वो आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि वो जिस किसी के भी साथ है उनके साथ वो खुश नहीं है, इस वजह से वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ये 10% लोगों के लिए है ओके। जो एनर्जी आई वो मैंने आपको बताई ओके गाइस। जो आप दोनों ही अनमैरिड हो, तो मैंने जो आपको आगे कहा वही सब कुछ है गाइस ओके। तो आपके पार्टनर आपको किसी भी हाल में जाने देना नहीं चाहते हैं, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ओके। और यहाँ मैं आपको बता दूँ गाइस कि वो आपके लिए अपनी फैमिली को भी मना लेंगे ओके। इसकी आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलकर आप उनकी फैमिली मना भी करेगी फिर भी वो अपनी फैमिली को मना लेंगे आपके लिए, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल यही बता रहे गाइस कि आप उनकी पूरी दुनिया ही हो ओके, आप उनके लिए खास हो। तो ये है आपकी रीडिंग, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।
हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल थ्री चूज़ की है तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन आपको खोने से डर रहा है। टू ऑफ वांड, सेवन ऑफ सॉर्ड और थ्री हाई प्रेस्टेस। ओके, यहाँ से हम देखेंगे तो गाइस डोर टू स्पिरिट, ओके, फाइनेंस अ कंस्टेंट और ब्लॉसमिंग अमेनेस। ओके, तो गाइस ये जो भी इंसान है, पार्टनर है आपका, वो यहाँ मैं आपको उनकी क्वालिटी बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि अभी आपके लाइफ में जो इंसान है वही ये है या फिर कोई और है। ओके गाइस, तो ये जो इंसान है गाइस, वो आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी पहले बात करता था वो आपके साथ फ्लर्ट करता था गाइस। ओके, उनको आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करना था और आपकी लाइफ से चले जाना था, लेकिन जब जैसे जैसे आपके साथ वो बात करते चले गए, वैसे वैसे आपका नेचर, आपका जिस तरह से रहना, जिस तरह से आपका बोलना, बातचीत करना, मैसेज करना, फ़ोन करना, आपकी एक स्टाइल उनको अच्छी लगने लगी। ओके, और जो उन्होंने सोचा था कि मुझे इसके साथ सिर्फ फ्लर्ट करना है, वो उनके दिमाग से धीरे धीरे निकलने लगा और वो आपको लेकर और ज़्यादा स्पेसिफिक तरीके से सोचने लगे कि ये इंसान, मतलब ये जो बंदा बंदी है वो मुझे अच्छी लगने लगी है, क्यों क्यों मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि मुझे ये पसंद है। वो तब आपको प्यार भी नहीं करते थे। ओके, धीरे धीरे उनकी फीलिंग आपको लेकर बढ़ने लगी और फिर वो आपको धीरे धीरे प्यार करने लगी। ओके, अब हाल फिलहाल की सिचुएशन ये है गाइस कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, लेकिन अभी अपनी लाइफ में दो सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि उनकी दो सिचुएशन ये है गाइस कि वो आपको लेकर डिसीज़न भी लेना चाहते हैं लेकिन वो अपनी फैमिली को भी छोड़ नहीं सकते हैं और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, इस वजह से वो आपको लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ओके, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, ये आप है गाइस। ओके, आप उनकी पूरी दुनिया हो, ये अर्थ है गाइस। ओके, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा सोचते हैं, आपके साथ ही आना चाहते हैं। अभी तो उनके दिल में बस यही है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए डिसीज़न नहीं ले पाऊँगा तो आप कहीं मुझे छोड़कर चले ना जाओ। उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ओके, और यहाँ टू ऑफ वांड और डोर टू स्पिरिट दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहा है गाइस कि उनको आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है और अब तो उनको खुद के ऊपर भी भरोसा हो गया है कि वो भी आपके बगैर नहीं रह पा रहे। ओके, इस वजह से अभी यही है कि वो जल्दी से जल्दी ये डोर ओपन हो रहा है और तो वो आपको लेकर जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेना चाहते हैं। ओके गाइस, और सेवन ऑफ सॉर्ड और फाइनेंशियल कंस्टेंट का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि भी हाल फिलहाल वो अपनी कैरियर को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, तो वो अपने कैरियर को थोड़ा सेटल करना चाहते हैं अपने तरीके से। वो अपने कैरियर में सेट तो है ही गाइस, लेकिन जो उन्हें लगता है कि मुझे एक अच्छी तरह से सेट होना चाहिए तो वो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ओके गाइस, इस वजह से अभी हाल फिलहाल वो शायद आपको वक्त भी नहीं दे पा रहे हो। तो ब्लॉसमिंग गवर्नेंस और हाई प्रेस्टेज का कार्ड ये बता रहा है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे की इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी तरह से सुन पाते हो, एक दूसरे के एहसास को फील कर पाते हो। ओके, और आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास भी आ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। ओके, आप दोनों का एक दूसरे के ऊपर यकीन जो है वो बहुत ही बढ़िया है गाइस। ओके, और यहाँ मैं उनकी क्वालिटी की बात करूँ गाइस तो मैंने आपको बताया कि वो पहले स्टार्टिंग में आपके साथ फ्लर्ट ही कर रहे थे लेकिन उनको पता नहीं चला कि वो कब आपको प्यार करने लगे। ओके, और ये जो इंसान है वो जो भी बोलता होगा वो सोच समझ के बोलता होगा गाइस। ओके, और ये आपसे 2 या 3 साल आपसे बड़े होंगे गाइस और कुछ लोगों के लिए 5 साल या 4 साल भी बड़े हो सकते हैं। ओके, और 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ मैं बता दूँ कि आपसे वो 2 साल बड़े भी होंगे। ओके,
लेकिन आपसे ही बड़े होंगे, या फिर आप उनसे बड़े हो, ओके, वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइस, ओके। और ये जो इंसान है वो गुड लुकिंग होंगे गाइस, ओके, मतलब बहुत ही अच्छे तरह से वो रहते होंगे, अपनी हर एक अपनी लाइफ को उनको किस तरह से जीना है वो उनको बहुत ही अच्छे तरह से आता होगा, और उनको घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता होगा, और वो आपको भी अपने साथ घुमाएंगे गाइस, ओके। और उनके उनको एक फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद है, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आप उनको बहुत ही अच्छी तरह से फ्रीडम देते हो, और ये क्वालिटी आपकी उनको बहुत ही अच्छी लगती है, और आपको वो इस तरह से दिखते हैं गाइस, ओके। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी है और उनकी भी अच्छी है, लेकिन वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखते हैं कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन को बहुत ही अच्छी तरह से लेना आता है, और किस तरह से किसके साथ बात करनी है वो आपके अंदर एक तखल्लुस बहुत ही बढ़िया है, ओके। आप लोगों की रिस्पेक्ट करना जानते हो, लोगों को समझने की आपके अंदर एक सूझबूझ है, समझदारी है, वो उनको बहुत ही अच्छी लगती है, ओके। और वो आपके साथ मैसेज या फ़ोन के थ्रू बहुत ही कम बात करते होंगे, बात करते हैं लेकिन कम करते होंगे, ओके। उनका ऐसा नेचर ही होगा, और यहाँ साफ साफ एनर्जी दिख रही गाइस कि उन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है, प्यार का इजहार आपको नहीं कहा है, नहीं किया है, ओके। और वो बहुत ही जल्द आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग फैसला लेना चाहते हैं, वो आपको सीधे सीधे शादी या एंगेजमेंट के लिए ही कहेंगे गाइस, ओके। वो आपको बड़ा ही ऑफ़र देंगे, छोटा मोटा ऑफ़र नहीं देने वाले, ओके गाइस। और यहाँ ये जिस किसी की भी एनर्जी है उनको मैं बता दूँ गाइस कि आप दोनों का रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस ही है, ये जिस किसी की प्रोफाइल है, 10% लोग ही ऐसे हैं जिनकी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगी, ओके। 90% लोग ये रीडिंग के हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस के ही है गाइस, ओके। आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस है, आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे एक दूसरे के, ओके। और दो तीन बार आप मिल भी चुके हो या फिर नहीं भी मिले हो, ओके। तो ये है आपकी रीडिंग, अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।